Hello everyone, I'm Shivam, the owner and founder of Moms and Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to wait for a SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss some most repeated PNC and probability questions that have been frequently asked in exams. So guys, this video will be extremely important because PNC probability कुछ questions आ जाते हैं SNAP में and maximum case में जो questions आते हैं वो कभी ना कभी आए हुए होते हैं. तो यार वीडियो से आपको definitely help होने वाली है. Not only in SNAP but in other exams like CMAT, CET, SRCC, GPO, etc. Guys, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, मेनली कंटेंट बेस्ड वीडियो बन रहे हैं इस टाइम पे. एंड अभी और बहुत वीडियो बनने वाले हैं मेनली जीके पे, ठीक है, बिकॉज CMAT, SRCC सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं. तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस. और एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन करें स्नैप का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके, ठीक है. Guys, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय ए एंड बी आर 1/6 एंड 1/5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? मतलब दो लोग हैं ए एंड बी. ए करता है, ए की क्या प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की प्रॉब्लम को 1/6, एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या सॉल्व करने की 1/5. बी की क्या है? 1/5. हमें निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब या तो ए कर लेगा, या तो बी कर लेगा, या तो दोनों कर लेंगे. मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, अच्छा कोई भी करे. तो एक तरह से ये एटलीस्ट वाला केस है, ठीक है. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है, कि या तो ए कर ले या बी कर ले या दोनों कर ले. और दूसरी बात, यहाँ पे ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. बिकॉज ए करे उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड बी करे उससे ए पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो उसके पास दो तरीके हैं. ए यूनियन बी आप ऐसे भी निकाल सकते हो. डी मॉर्गन से ड्राइव होता है ए यूनियन बी होता है 1 - ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. आप ऐसे भी निकाल सकते हो. अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपका आ जाएगा 1 - ए कॉम्प्लीमेंट. कितना हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट था इनवर्स. ए अगर ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 - 1/6. ये आ जाएगा आपका 5/6. इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 - 1/5, 4/5. इंटू 4/5, 1 - 20/30, ठीक है, इक्वल टू 1/3. तो आ गया आपका प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ठीक है. तो हमने ए यूनियन बी ही निकाला है. अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो. क्या होता है फॉर्मूला? पी ए प्लस पी बी. पी लिखो चैनल को, प्रोबेबिलिटी ले माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है. और वैसे आपको बताया इंटरसेक्शन अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटू बी, यही तो होता है. तो आप ए बी लिख दो, ठीक है. तो पी ए कितना है? 1/6, सॉरी पी बी कितना है? 1/5 माइनस 1/6 इंटू 1/5. आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/30 माइनस 1/30, 10/30. 1/3 इज द आंसर. चाहे आप ऐसे करो चाहे डायरेक्टली ऐसे कर लो, ये आप याद रखो आपके लिए अच्छा रहेगा. ये होता है आपका, ये आपका डी मॉर्गन से डिराइव हुआ है बेसिकली, ठीक है. जैसे बेसिकली होता क्या है, आपको ये बताया कि ए यूनियन बी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है. इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. और हमको ए यूनियन बी निकालना है विच इज इक्वल टू 1 - दिस, ठीक है. और इसके लिए यहां से ले लो 1 - इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन. और ये इंटरसेक्शन लगा है कॉम्प्लीमेंट्स का बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो यहाँ से आ गया, ठीक है. तो डेरिवेशन इसका ये अब याद नहीं होता है तो बाकी डी मॉर्गन लॉ पढ़ लोगों तो याद हो जाएगा, ठीक है. तो 1/3 आंसर आएगा. अगर आपको उससे ईजी लग रहा है उससे कर लो, ईजी इससे रहता है ज़्यादा. मतलब टाइम कम लगेगा अगर आप 1 - ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो, ठीक है. चलो गाइस, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर? गाइस, इसमें आपको हमेशा ये अप्रोच लगानी होती है कि जिस पे कंडीशन है, जिसको साथ में नहीं बैठाना, जिसको सेपरेट करना है, उसको छोड़ के बाकी लोगों को अरेंज करो. काफी लोग क्या करते हैं, टोटल माइनस सबको एक साथ कर दिया, वो कर दिया, गलत हो जाएगा उससे आपका, क्योंकि उसमें और कैसा माइनस नहीं करते हो. तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कुछ लोगों को सेपरेट करना हो, उनको नहीं बैठाना साथ में, तो उनको छोड़ के बाकी लोगों को अरेंज करो पहले. तो 5 यहाँ पे बॉयज पे कंडीशन है कि बॉयज साथ में नहीं बैठ सकते, तो 5 गर्ल्स को अरेंज करो. 5 गर्ल्स को अरेंज करो, यहाँ बैठेंगी 5 वेज में. अब गाइस ये 5 गर्ल्स कितनी प्लेसेस बनाएंगी, स्पेसेस बनाएंगी? 6 बनाएंगी. ये देखो एक ज्यादा बनाती है लीनियर में.
five girls will make six spaces and we can arrange the three boys in six spaces. So five tables of girls हो गई into six में से कोई तीन प्लेस लेके वहां बॉयज अरेंज कर दो, बस ये आपका आंसर आ गया। तो वो करना क्या है, पहला स्टेप जिसपे कंडीशन लगी हो, जिसको आपको सेपरेट करना है, उसको छोड़ के दूसरों पे देखो, बॉयज पे लगी है, गर्ल्स को अरेंज कर लिया फाइव टेबल प्लेस में, फिर फाइव गर्ल्स ने सिक्स प्लेसेस बनाए, उस सिक्स प्लेसेस में आपने थ्री बॉयज को अरेंज करा दिया, सेलेक्ट कर दिया, तो सिक्स पी थ्री हो गया, सिक्स पी थ्री मीन्स सेलेक्शन प्लस अरेंजमेंट बोथ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। A certain group of friends met on a New Year Eve party and each person shook hands with everybody else in the group exactly once and the number of handshakes turned out to be 66. Guys, total number of handshakes कितने होते हैं? NC2 ये दिया गया 66. और guys, handshake होता कैसे है? जैसे अगर 1, 2, 3 तीन लोग हैं, 1, 2 से करेगा और 1, 3 से करेगा, ठीक है, 1 ने दो लोगों से किया, फिर 2 करेगा थर्ड से, दो ने से, total handshake कितने आ गए? 3. फॉर्मूले से भी देखें, तीन लोग हैं तो कितने हैंडशेक होंगे, 3C2=3। तो गाइस याद रखो एक चीज, हैंडशेक रिवर्स नहीं होते हैं, अगर 1, 2 से कर रहा है तो 2, 1 से नहीं करेगा, क्योंकि कितना प्रैक्टिकल है ना ये चीज। तो आप किसी से पार्टी मिलते हो, आपने एक बार से हैंडशेक कर लिया, बस दोबारा थोड़ी करेगा कि वो, ठीक है। तो हैंडशेक में आपका एक ही बार होता है चीजें, तो NC2 आपका ये दिया हुआ है 66। अब बोला गया है ऑन द ओकेजन ऑफ पोंगल इफ ईच पर्सन द ग्रुप सेंड्स ग्रीटिंग टू एवरी अदर पर्सन, अब ग्रीटिंग वाली चीज अलग है, ग्रीटिंग में आपका रिवर्सल हो जाएगा, अगर 1, 2 को ग्रीटिंग भेज रहा है तो 2 भी 1 को भेजेगा ग्रीटिंग, क्योंकि दोनों अपना अलग चेंज कर सकते हैं, ग्रीटिंग वाली बात अलग है। तो गाइस इन शॉर्ट जो हैंडशेक्स वाला केस होता है, ठीक है, उसका डबल होता है ग्रीटिंग वाला केस, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, हाउ मेनी कार्ड्स आर एक्सचेंज, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर सीधे हो जाएगा 2 × NC2, यह आ जाएगा 132। मतलब आपको हैंडशेक्स का दे दिया गया, आपको पूछा गया कि अगर ग्रीटिंग्स हो तो क्या होगा, NC2 का ये भी ले सकते हो, NC2 का भी ले सकते हो, N × N-1/2 ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो फिर N की वैल्यू भी निकाल सकते हो, अगर प्रॉपरली करो तो यहाँ से N की वैल्यू निकाल दो, N की वैल्यू क्या आएगी, N आएगा 12, मतलब 12 लोग पार्टी में थे, ठीक है, यहाँ से N निकाल लिया। अब अगर हर एक बंदा एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देता है तो कितने केस आएंगे, ये आपके आ जाएंगे N × N-1/2 × 2, डबल केस होते हैं हैंडशेक्स के, इतने केस आएंगे, फिर वही बात हो गई 12 × 11 = 132। तो चाहे आप पूरा कर लो, पहले N निकालो फिर बाद में ये करो, बट आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ हैंडशेक्स अगर N × N-1/2 होता है तो नंबर ऑफ कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज उसका डबल होता है, क्योंकि हैंडशेक्स में एक बार हो जाता है बस, बट प्रोडक्ट आप दोनों बार एक्सचेंज कर सकते हो, आप भी दे सकते हो उसको, वो आपको भेज सकता है, ठीक है। 132 का आंसर आएगा, आपको N निकालने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे बिना इसके निकाला था। A man has 2N+1 friends, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। A man has 2N+1 friends, उसके 2N+1 friends हैं, मतलब ये एक तरह से odd number of friends हैं। The number of ways in which he can invite at least N+1 friends for a dinner is 4096, ठीक है। Find the number of friends of the man, तो गाइस इसको पहले एक सैंपल लेके करते हैं, कोई ले लेते हैं odd friends, odd number of friends, मान लो उसके 5 friends हैं, अगर 5 फ्रेंड्स होते तो कितने लोग कितने वे में बुलाता वो, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ही कैन इनवाइट इज 2 की पावर 5, 32 वेज में, ठीक है। और ही कैन इनवाइट N+N1 फ्रेंड्स, मतलब एक तरह से क्या, कितने फ्रेंड्स को बुला रहा है वो बुला रहा है, यहाँ पे N क्या है आपका, अगर 5 रखते हो तो N को आप 2 रहोगे ना, इधर से एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स को बुलाना है आपको। गाइस एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स को कैसे बुलाओगे आप, 5C3 + ऐसे कर सकते हैं इसको, हमारा क्या होता है 5C0 + 5C1 + 5C2 = 5C5 = 2 / 5, हमको 5C3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा माइनस कर देंगे, वहां ले जाएंगे इसको, तो हमारा निकल आएगा एटलीस्ट 3। तो बेसिकली हम गाइस दोनों चीज में रिलेशन निकाल रहे हैं, टोटल में और एटलीस्ट वाले केस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 / 5 - 5C0 - 5C1 - 5C2 32 माइनस ये कितना आ गया 1 - 5 - 10 = 16, समझ रहे हो। तो गाइस 32 का हाफ है, तो गाइस अगर आप आपके 2N+1 फ्रेंड्स हैं और आप N+1 को एटलीस्ट को बुलाओगे तो केसेस हाफ हो जाएंगे, तो टोटल अगर 2N+1 फ्रेंड्स थे तो आपके टोटल बेस कितने थे बुलाने के 2 / N+1, बट एटलीस्ट N+1 को बुलाओगे तो कितने केस हो जाएंगे
इसका बाई टू, और ये हमको दिया गया 4096। यहाँ पे भी ये चीज डिराइव करी हमने, तभी हमने फाइव वाला एग्जाम्पल लिया है। टोटल 32 केस थे, बट जब हम एन प्लस वन कर रहे थे 16 केस आ रहे हैं, इसके हाफ आ रहे हैं केसेस, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 2n इंटू 2, 2 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 2n इक्वल टू 4096, 2 की पावर 2n इक्वल टू 2 की पावर 12, तो ये बराबर कर दो, 2n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 6, n 6 आ गया तो कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, n को 6 रख दो यहाँ पे, ये आ गया आपका कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू 6 प्लस 1, 13 फ्रेंड्स आ गए। ठीक है, तो गाइस ये मैंने बस फाइव वाले एग्जांपल के लिए डेरिवेशन लिया कि रिलेशन क्या है दोनों में। तो रिलेशन ये है कि अगर आपके टोटल फ्रेंड्स फाइव है तो आपके नंबर ऑफ केसेस आते हैं 2 to 32, मतलब 32 केस आते हैं, बट आपके अगर एन थ्री फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट थ्री फ्रेंड्स को बुला रहे हो आप, मतलब इधर से एन प्लस वन फ्रेंड्स को, एन यहाँ पे टू है, ठीक है, तो अगर केस कितना 16, तो हाफ केस होते हैं, हाफ फ्रेंड्स को बुलाओगे आप, हाफ वेज हो जाएंगे, तो उसके हाफ वेज होगा ये 4096। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप सीधे हाफ करके क्विट कर सकते हो उसको, बट ये क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, ठीक है, क्या बोला गया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन तो आएगा ऐसे ही प्रिंट हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, लोगों को तो आंसर भी याद रहता है, 13 कितने बार देख चुके हैं। ए क्वेश्चन नंबर कंसिस्ट ऑफ फाइव प्रॉब्लम्स, ईच प्रॉब्लम हैविंग थ्री इंटरनल चॉइसेस, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कैंडिडेट अटेम्प्ट वन और मोर प्रॉब्लम्स। गाइस के पास पांच प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हर प्रॉब्लम के तीन इंटरनल चॉइसेस हैं, तो गाइस हर हर क्वेश्चन को करने के कितने वेज हैं, मान लो को तीन चॉइसेस ऐसी हैं ए बी सी, तो या तो वो ए मार्क करेगा या बी मार्क करेगा या सी मार्क करेगा या कुछ भी मार्क नहीं करेगा, क्वेश्चन छोड़ देगा, तो कितने वेज हो गए, फोर वेज हो गए, ठीक है, ऐसे ही सेकंड प्रॉब्लम है फोर वेज, थर्ड है फोर वेज, फोर्थ है फोर वेज, फिफ्थ है फोर वेज, तो ये 4 to 5 वेज तो ठीक है हो गए, बट इन हाउ मेनी वेज कैन ही अटेम्प्ट वन और मोर प्रॉब्लम, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो करेगा ही, तो वो अलग केस जब इसने सारी प्रॉब्लम छोड़ दी, किसी में कुछ मार नहीं किया, वो माइनस करो आप, तो ये आपका आ गया 2 की पावर 10 माइनस 1 = 1023। तो ये माइनस वन क्यों किया, बिकॉज उसको एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, अटेम्प्ट करनी है, ठीक है, एक भी अगर नहीं करेगा तो जीरो वाला केस माइनस किया, कि पहली प्रॉब्लम में उसने कुछ मार्क नहीं किया, क्योंकि वो वाला केस भी इसमें आ गया ना, अगर सब जीरो जीरो हो गया तभी इन्हें माइनस वन किया है, कि माइनस वन करने से जीरो जीरो वाला केस चला जाएगा, सारे जीरो वाला केस, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो अटेम्प्ट कर ही होगी, तभी किया है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए होंगे काफी, आपको 1023 इसका आंसर आ गया। इन हाउ मेनी वेज 20 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग फोर बॉयज, गाइस ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना ग्रुपिंग एक बार, आपको इक्वली डिवाइड करना है, मतलब कैसे, अमंग फोर बॉयज, तो 20 बाय अगर फोर करें तो हर बंदे के पास फाइव बुक्स आएंगी, और गाइस फॉर्मूला क्या होता है, सीधे जितनी बुक्स हैं 20 फैक्टोरियल / 5 फैक्टोरियल / 4, ठीक है, इनटू कितने बॉयज हैं, अब गाइस देखो बॉयज अगर हैं आपके, बॉयज डिस्टिंक्ट है इसलिए हम 4 फैक्टोरियल भी करेंगे ऊपर, ठीक है, अपॉन कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5 चार बार, नीचे ही 4 फैक्टोरियल आएगा, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आपका ये आएगा, ठीक है, और गाइस यहाँ पे बॉयज थे इसलिए हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, हमने आपको केस बताए थे क्लास किए भी हम लोगों ने, काफी लोगों ने जहां से भी किया होगा उनको बताया गया होगा ये चीज, अगर यहाँ पे ग्रुप्स होते, मतलब आइडेंटिकल चीजें होती, ग्रुप्स होते या कोई नॉन लिविंग होती, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं करते आप, तब आपका आंसर ही आता 20 फैक्टोरियल / 1/4 फैक्टोरियल। ये नीचे क्यों आता है, जितने बार रिपीटेशन होता है, 5 5 5 चार बार है ना, तो 4 फैक्टोरियल नीचे आया, बस ये चीज है, तो ये ग्रुपिंग का प्रॉपर फॉर्मूला है, तो ये तब होता है जब आपका 4 बॉयज 4 ग्रुप्स में होता, इक्वली इन 4 ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप्स को आइडेंटिकल माना जाता है, बॉयज आपके डिस्टिंक्ट है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, तो इफ देयर आर 10 लाइंस इन अ प्लेन सच दैट नो 2 लाइंस आर पैरेलल एंड नो 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, हाउ मेनी रीजंस आर फाउंड विद दीस लाइंस, 10 लाइंस, तो गाइस भाई ये कि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो बाउंडेड रीजन, जो टोटल नंबर ऑफ रीजन होते हैं, बाउंडेड नहीं, टोटल नंबर ऑफ रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, एन इंटू एन प्लस एन बाई टू प्लस वन, पॉसिबल रीजन कितने हैं, 10 × 11/2 + 1, ये आपका आता है 56, ये टोटल नंबर ऑफ रीजन होते हैं, ठीक है, और गाइस याद रखना कि ये आपका टोटल नंबर ऑफ रीजन होते हैं, और नंबर ऑफ अनबाउंडेड रीजन आपके होते हैं 2n, 2 × n, ठीक है, जैसे अगर तीन लाइंस हैं, तीन लाइंस की मैक्सिमम, ये सब की मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम तीन लाइंस अगर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनबाउंडेड रीजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड वो थ्री रखो आ गया, ठीक है,
और याद रखना टोटल रीजन इज इक्वल टू होता है बाउंडेड रीजन प्लस अनबाउंडेड रीजन। तो कभी आपको बाउंडेड निकालना हो टोटल निकाल लो यहां से, अनबाउंडेड हमेशा ये रहेगा, बस टोटल माइनस अनबाउंडेड कर दो बाउंडेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 56 आ गया बिकॉज इसने टोटल रीजन पूछे हैं। ठीक है, इफ ए एंड बी आर इक्वली टू इक्वली लाइकली इवेंट्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी हैपनिंग इज 3/4 द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए डज नॉट हैपन। तो गाइस दोनों इवेंट्स अगर इक्वली लाइकली है तो क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या दोनों सेम। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, यह आपका हो जाएगा या वैसे बोल सकते हैं उसको। तो बेसिकली क्या है, अगर आपके इक्वली लाइकली इवेंट है तो अगर बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 ए की भी 3/4 होगी, इवेंट इक्वली लाइकली है ना आपके। ठीक है, ये आपका हो गया पी ए भी आपका हो गया 3/4। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे 3/4 जनरली नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, हो भी सकता है कुछ ऐसा इशू नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है और भी कितने इवेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे में देखा जाता है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमारा पी बी की 3/4 है तो पी ए भी 3/4 हो, क्योंकि इक्वली लाइकली दोनों सब इक्वल होते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए डज नॉट अकर डज नॉट हैपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए क्या है, पी ए इक्वल टू 3/4, नॉट हैपनिंग क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो ये हो गया पी ए हमारा आ गया, पी ए कॉम्प्लीमेंट नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए 1/4 आ गया मेरे लिए। ठीक है, तो गाइस याद रखो जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं उसमें सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, याद रखना आप लोग, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उसमें। चलो चलते हैं आगे, और ये जो 3/4 वैल्यू लिए ना, ये वैल्यू हमने रैंडमली उठाई हुई है। ठीक है, ये वैल्यू कुछ और थी हमने ऐसे ही ले ली थी रैंडमली। तो मेरा मेन मोटिव क्या है इस क्वेश्चन का, कि इक्वली लाइकली इवेंट मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, मतलब जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है इवेंट्स की सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल होती है। ठीक है, ये होता है इक्वली लाइकली में। चलो चलते हैं आगे, ए पर्सन इज आस्क्ड टू रोल अ डाइस इन अ केस द डाइस शोज एन इवन नंबर ही विल पे 50 फॉर एन ऑड नंबर ही हैज टू पे 30 फाइंड द अमाउंट द पर्सन गेट्स इन पर टर्न इन द लॉन्ग रन। तो गाइस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला क्वेश्चन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इनटू अमाउंट एसोसिएटेड। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जो के जो इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उससे एसोसिएटेड अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होता है, और आपको अगर पैसा मिल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव में लिखोगे, अगर आपको पैसा जा रहा है उसको नेगेटिव में लिखोगे, और नेट आपका आ जाएगा। फिर ईजी है बट काफी लोगों को नहीं आता है। ए पर्सन इज आस्क्ड टू रोल अ डाइस इन द केस इन केस द डाइस शोज एन इवन नंबर ही विल बी पेड 50। इवन नंबर कैसे सकता है डाइस में 2, 4 and 6 आ जाए, तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है इवन आने की 3/6 1/2। तो मतलब इवन आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उसको मिल रहा है 50 rupees, तो पॉजिटिव में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड फॉर ऑड नंबर ही हैज टू पे 30, मतलब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 5 है, 3/6 × 30 राइट, तो ये आ गया 50 प्लस माइनस 15 कर दो आप, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है। ठीक है, तो नेट कितना आ गया 25 - 15 = 10, तो आपने 10 rupees अर्न किया इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो आपको अगर सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज को ऐड करना होता है विद साइन, बीच में प्लस ही रहने देना, अगर आपका पैसा जा रहा है तो आपका नेगेटिव है, अगर आ रहा है तो पॉजिटिव, तभी आपको नेट मिलेगा। नेट क्या आएगा, तो नेट आपका कितना है 10 rupees। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। तो गाइस ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी तो गाइस अच्छे से रिवाइज करो, 8th and 16th January को भी अच्छा आप कर सकते हो। ये मत सोचो कि 19 दिसंबर को जो हुआ है उसके बाद नहीं कर पाएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ जाओगे तो इवन 8th and 16th बारे में भी आप अच्छा करके SIBM पर जा सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों ने मॉक्स अभी नहीं दिए प्रॉपर वे में, मॉक्स गाइस दो, एक दिन में दो दो मॉक भी दे सकते हो आप, सुबह 10 बजे उठो, 10 बजे मॉक दो सॉरी, एंड शाम को 8 बजे मॉक दो, एटलीस्ट दो मॉक दो, टाइम नहीं रह गया, जितना एनालाइज करो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब उन्होंने मॉक्स की कॉस्ट भी कम कर दी गाइस, बहुत ज्यादा रिलेवेंट एंड क्लोजेस्ट मॉक है। ठीक है, क्लोज टू 1000 स्टूडेंट्स ले चुके हैं मॉक्स को, 15 फुल लेंथ मॉक्स की कॉस्ट उन्होंने ऑलरेडी कम कर दी 799, एंड अभी हम उन्होंने एक नया पैक भी निकाला गया, अगर आपको 15 मॉक्स ज्यादा लग रहे हैं तो आप 10 फुल लेंथ मॉक्स भी ले सकते हो एट 599 ओनली। ठीक है, 10 फुल लेंथ मॉक्स की कॉस्ट 599 है, आप 10 मॉक दो, 10 मॉक आराम से दिए जा सकते हैं,
बट मैं रिकमेंड करूंगा जिनका 16th को है उनको 15 मॉक्स देना चाहिए, आराम से दे दोगे आप 15। जिनको 8th को है वो चाहे तो 10 मॉक भी ले सकते हैं 599 के। 10 मॉक्स का भी वेबसाइट में नहीं दिख रहा होगा आपको, जहां पे आपने अकाउंट में जाके फ्री मॉक दिया था वहीं पे बाय प्रोडक्ट में जाना, आपको दिख जाएंगे 10 मॉक्स का, वहीं से आप ले सकते हो। ठीक है, मैं वेबसाइट में भी डाल दूंगा इसको। बाकी जिन लोगों का 16 जनवरी को एग्जाम है मेनली, उन लोगों का अगर दिक्कत आ रही है, नहीं पढ़ रहा है स्कूल, 28-29 नंबर, उनके पास भी टाइम है अभी, दे कैन चेक आउट द स्नैप क्रैश कोर्स। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड कोर्स है विद लाइव जूम क्लासेस जो हुई थी, सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक्सट्रीमली डिटेल्ड। और जितना भी हम लोग कैट के बाकी काफी सेशन लिए उन्होंने, मिक्स क्वेश्चन से वो सब भी रहेंगे। और अच्छी बात क्या गाइस, ये 3000 का जो कोर्स है इसको आप अपग्रेड करा सकते हो सीमैट एसआरसीसी कोर्स में बाय पेइंग एक्स्ट्रा 1000 आफ्टर स्नैप और बिफोर एज वेल। तो आपका पूरा से एक तरह से बोल लो कि जो उन लोग को सीमैट एटेस्ट देना है उन लोगों ने वाला कोर्स लिया, उनको स्नैप क्रैश कोर्स ही फ्री मिला इसके साथ, तो 4000 का कोर्स उन्होंने लिया, उनको ये मिला साथ में। ये एक्सट्रीमली डिटेल्ड है, सब अच्छे से क्लासेस कवर्ड है इसमें, अच्छे से आप करोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स, वो आपको देखनी है अपने वीक एरिया से, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा अगर आप एक दिन 3-3, 4-4 रिकॉर्डिंग देखते हो तो। क्योंकि गाइस अगर आपका 30s में स्कोर आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपका 40 चला जाएगा खाली माउस देख के, वो नहीं होगा। ठीक है, बोलने वाले बोलते हैं बट नहीं होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, 3-4 नंबर बढ़ जाएगा आपका, अच्छी बात है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हो तो अलग बात है, बट खाली माउस देने से नहीं होंगी चीजें। ठीक है, बट क्योंकि नई चीजें नहीं पढ़ोगे, वैरायटी नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा एग्जाम। क्योंकि आप देखिए जो 19 दिसंबर को कितने पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन ज्यादा, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। ठीक है, तो वैरायटी भी काम करना पड़ेगा आपको। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, आई गेस अच्छा लगा होगा। और ये मेरा नंबर है, यू कैन पिंग मी इन दिस नंबर इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। और गाइस काफी सारे कोर्स हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं, सीईटी का सुपर 40 बैच चल रहा है, पीजीडीबीए कोर्स चल रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। उसके अलावा हम लोगों का स्नैप सॉरी ये सीमैट टेस्ट एसआरसीसी जीपीओ के कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं। यू कैन इंक्वायर इन दिस नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर फर्स्ट टाइम यू कैन विजिट mauzon.in/snap। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।